चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने के कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तलब किया गया है। इस संबंध में सिसोदिया को मन भेजा गया है। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार सिसोदिया को आज सुबह 11 बजे जांच एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की पूछताछ को लेकर ट्वीट भी किया है और सीधे तौर पर कहा है कि वो सहयोग करने के लिए तैयार है। हालांकि आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि उनके समर्थक कार्यकर्ता वहां पर भीड़ इकट्ठी ना करें और साथ ही साथ इस पूछताछ का विरोध ना किया जाए। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर की, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई है। 11 बजे उनको पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा तलब किया गया है और कल उन्हें समन भेजा गया था, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी थी। तो आपको बताते हैं ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात की बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं रोकना है वहां जाने से। जब मैं गुजरात गया, मैंने गुजरात के लोगों को यही कहा कि हम गुजरात में भी आपके बच्चों के लिए दिल्ली जैसे शानदार स्कूल बनाएंगे। लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गुजरात में भी अच्छे स्कूल बने, गुजरात के लोग भी पढ़े और तरक्की करे। तो सीधे तौर पर इसका कनेक्शन गुजरात से करते हुए मनीष सिसोदिया ने ये ट्वीट किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी गुजरात में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है और आम आदमी पार्टी की तरक्की को देखते हुए बीजेपी ने इस तरह का कदम उठाया है।